दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर हम बात करें यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में, एक एक सूचनाओं को प्रोवाइड करने का प्रयास हम आपके बीच में कर रहे हैं। जैसा कि मैंने सुबह जब एक वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि आपका एक जो नोटिफिकेशन है वो तो फाइनली आपके बीच में आ चुका है। अभी जो आपका दूसरा नोटिफिकेशन है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव की तरफ से अभी जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है आपका आवेदन कब शुरू होगा, यानी जो ऑफिशियल नोटिस अगर कहा जाए वो तो आ चुकी है। बट थोड़ा सा पीएनपी की तरफ से भी अभी आप पीएनपी की साइट पर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आज आपके बीच में एक नोटिस आई हुई है जो आज आप पीएनपी की वेबसाइट पर भी फाइनली देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या यहां से जो जानकारी आपको प्रोवाइड की जा रही है आपके लिए फायदेमंद हो रही है या नहीं हो रही है, प्लीज आप सब इसका जो है फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। क्योंकि भैया जब तक आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता थोड़ा सा अपने आप को हम असहज महसूस करते हैं। लेकिन जहां तक मेरा प्रयास है, जहां तक हम आपके लिए हमेशा ये बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप कहीं किसी भी तरह गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आए दिन ये देखने को मिलता है। अभी इसके पहले हम बात करें तो तमाम अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है वो अवैध तरीके से मेरे यहाँ एडमिशन करवा लिए, लेकिन उनके पास समस्याएं अब कहीं ना कहीं खड़ी हो रही हैं। जब उनको इसके बारे में पता चला कि नहीं, यूपी में इसके पहले यानी 2023 सत्र में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी थे, जो प्रशिक्षु हम कहें, तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए पैसे के चक्कर में 1,000, 2,000, 4,000 के चक्कर में आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं बार बार आप सभी से उसी को लेकर आगाह करने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया प्लीज उनके चक्कर में आप ना पड़े। अगर उनके चक्कर में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मामला आपका भी असड्ढल में जाएगा। मैं यही चीजें कहता हूं, आप मेरे कहने पर मत कराइए, ठीक है, लेकिन आप उनके कहने पर जाइए जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में उन्हीं के समान आप भी कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार होंगे, ठीक है। बाकी मैंने जो आपसे फीडबैक मांगा है, प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। देखिए कहाँ जा रहा है पीएनपी का नया नोटिफिकेशन, क्या है नोटिफिकेशन अभी हम आपके बीच में बता रहे हैं। समझ लो पूरी प्रक्रिया, मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो पीएनपी का नोटिफिकेशन है जो आया हुआ है उसको हम आपके बीच में एक बार फिर से रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो जो है आवेदन से लेकर एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया हम इसमें आपको बताएंगे। और यहां देखिए ऐसे कॉलेज से सावधान रहे। अब ये आपके मन में ये जो लाइन मैंने लिख रखा है, ठीक है, ये चीज देखने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखना चाहेंगे कि आखिरकार हम कौन से कॉलेज से सावधान हमें रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आपके बीच में एक एक चीजों पर चर्चा करते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। बाकी ये लाइन को डिफाइन हम जरूर करेंगे क्योंकि आप लगातार फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप उस चीज को भी देख लीजिए जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है, ठीक है। देखिए यही वो नोटिस है आपके बीच में लगा है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कार्यालय सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी जो है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। ये 2024 के आवेदन की प्रक्रिया है, समझिएगा। कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रकाश चयन प्रक्रिया निर्गत शासनादेश संख्या इतना बेसिक शिक्षा, थोड़ा सही से हम जूम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से देखिए। हाँ अब सही है, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सीटी वाराणसी तथा निजी डीएलएड संस्थानों में जिन्हें एनसीटी मान्यता प्राप्त उपरांत जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु जो इच्छुक एवं अहर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है। अब यहाँ पहला कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों को संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा। मीन्स अब ये लाइन आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। क्या समझना है मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं कहता हूं आप किसी भी चैनल पर विजिट करने से पहले उसके बैकग्राउंड को आप देखिए, ठीक है। वो इंसान हमारे बीच में कितने सालों से काम कर रहा है, कितना नॉलेज है उसको डीएलएड के क्षेत्र में, ठीक
ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है, अभ्यर्थी डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने से पूर्व अपने ऑनलाइन जो है अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेख से अवश्य करें। दूसरा कहा जा रहा है, आगे अगर हम बात करें, आपसे समझने का प्रयास करें। अच्छा, क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं है? बहरहाल चलिए अब इसके बारे में और भी हम चर्चा करते हैं। दूसरा कहा जा रहा है, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन जो है आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधन एवं जो है दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तीसरा कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी जो है अनारक्षित जो है श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे तो ये आपका जो डाउट्स बाबू वो क्लियर हो गया होगा कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको अनरिजर्व यानी आप अदर स्टेट में अपने कैटेगरी का लाभ लेते हैं। हम मानते हैं कि आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं या एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको अपने राष्ट्र जो है अपने यहाँ अपने स्टेट में आपको कैटेगरी का लाभ मिलता होगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही आप यूपी में विजिट करते हैं तो आपका ये लाभ समाप्त हो जाता है। तो यही चीजें कहा जा रहा है कि आप यूपी में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको ये चीजें समाप्त कर दी जाएंगी, आप जनरल के तहत यहाँ गिने जाएंगे। चौथा कहा जा रहा है, डीएल प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा संबद्ध प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा भी जो है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के अंतर्गत प्रवेश चयन की कार्यवाही उक्त शासनादेश 9/8/2024 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता आयु एवं शासनादेश के बिंदु संख्या 11 में अल्पसंख्यक संस्थान हेतु दिए गए निर्देश संपादित कराई जाएगी, ठीक है। पांचवा कहा जा रहा है, ऑनलाइन आवेदन हेतु जो है शैक्षिक अर्हता आयु आवेदन शुल्क चयन एवं मानक अन्य शर्तों सहित जो है सामान्य एवं परिचालन संबंधित तकनीकी दिशा निर्देश वेबसाइट updlitgovernment.in पर जो उपलब्ध है, इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण फॉर्म आवेदन शुल्क जमा करने के हेतु जो है पेमेंट लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है, आप निर्धारित समय सारणी का ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया, अभी थोड़ा सा इस पर और हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये समय सारणी मैंने कॉलम में बंद कर रखा है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 18/9/2024 से शुरू होगी, ठीक है, और अंतिम तिथि जो है वो 9/10/2024 तक चलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10/10/2024 है और प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 12/10/2024 है। अत ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आपका जो आवेदन है वो स्वीकार एवं विचारणीय नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, 11/9/2024 अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। यहाँ इन चीजों को आपने बखूबी देख लिया, नीचे कुछ नहीं दिया गया है, बाकी यहाँ देख सकते हैं ये किसको किसको सूचित करना है इसके बारे में है, ठीक है। यहाँ एक लाइन आपके लिए दिया गया है, आप आवेदन करने से पहले इस चीज का निरीक्षण जरूर करिएगा कि सबसे बड़ी चीज इसमें ये होती है कि इसमें आपको संशोधन का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। मीन्स आप जो भी अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे आप बेहतर तरीके से फिलअप करेंगे। अगर हम मानते हैं आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गया तो आप चाहें कि हम फाइनल सेव के बाद, ठीक है, हम फाइनल सेव के बाद इसे हम किसी तरह से करेक्शन कर लें तो ये संभव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप जो भी फॉर्म को फिलअप करिएगा आप बेहतर तरीके से पहले उसे फाइनल सेव करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी हम आपसे चर्चा करते हैं आगे, देखिएगा। अब यहाँ अगर हम बात करें अदर स्टेट के बारे में, आपने समझ लिया, ठीक है, एडमिशन कैसे होगा। देखिए, आवेदन आपने आवेदन कर दे, आवेदन से लेकर एडमिशन की प्रक्रिया हम आपको चंद सेकंड में समझाते हैं। जैसे आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो आपका स्टेट रैंक होता है, ठीक है। आपकी रैंक आ गई, रैंक करने के बाद हम मानते हैं 1 से 20 हजार रैंक तक पहले चरण में काउंसलिंग होगी, फिर 20 हजार से जो भाई पीएनपी का दिशा निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये हम एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 20 हजार से हम मानते हैं कभी कभी 80 हजार दे देते हैं, ठीक है, ये इनके ऊपर निर्भर करता है।
फिर दूसरे राउंड में काउंसलिंग होगी। बट अगर हम मानते हैं कि आपको प्रथम चरण में कोई कॉलेज नहीं मिला है, पहले तो 5,000 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा, तब जाके आप काउंसलिंग में भाग लेंगे, ठीक है। अगर किसी कारणवश आपको कॉलेज नहीं मिलता है पहले चरण में, तो आप दूसरे चरण में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, कोई पेमेंट आपको नहीं देना होगा। बट अगर पहले चरण में कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है, तो आप उसी कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे। नहीं लेना चाहते हैं, हम मानते हैं जो कॉलेज आपको मिला है आप नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, दोबारा से आपको 5,000 का पेमेंट फिर से करना होगा, तब जाके आप कहां भाग लेंगे, आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेंगे। यानी कॉलेज मिलने के बाद आपको ये पैसा, तो पहली चीज तो रिफंड नहीं होगा, ठीक है, दूसरी चीज कॉलेज मिल गया संतुष्ट नहीं है तो चलिए आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं तो फिर से आपको 5,000 देना होगा, यानी हर बार आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर आपके लिए वही है कि जो आप उसी कॉलेज को सेलेक्ट करें जहां आपको लगता है कि नहीं, यहां हमें एडमिशन लेना है और यही हम एडमिशन लेंगे भी, ठीक है भाई। 5,000 रुपए नाजायज देने से मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, 5,000 रुपए आप काउंसलिंग के समय देंगे, ठीक है, फिर सॉरी 5,000 आप काउंसलिंग के समय दे रहे हैं, फिर 5,000 ही जो है अलॉटमेंट देंगे, यानी टोटल आपको 10,000 का पेमेंट करना होगा, ठीक है, यहाँ एक गिरोह हो रहे हैं, 10,000 का पेमेंट आप कर देंगे तो आप अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे, जो कॉलेज आपको लॉक किया जाएगा वही कॉलेज लेके आप अपने संबंधित दस्तावेज के साथ उस कॉलेज में विजिट करेंगे, ठीक है। जो प्रवेश की प्रक्रिया है फाइनली आपके कॉलेज वाले आपकी पूरी करेंगे, है ना। ये चीजें उम्मीद करते हैं कि आवेदन से लेकर एडमिशन तक, बाकी हम आप अभी परेशान ना होइएगा, आपको लगता होगा कि नहीं जो है सर आप एक ही वीडियो में सब कुछ बता के खत्म कर देंगे, नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोसीजर बताएंगे। बट इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आवेदन करते समय आपका करेक्शन नहीं मिलेगा, अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे कॉलेज से सावधान रहें। अब ये क्या चीज है, देखिए तमाम ऐसे कॉलेज हैं जो आपका एडमिशन तो ले लेंगे, कहेंगे कि चलिए हम आपका एडमिशन जो है 40,000 में पूरा कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन जैसे ही एडमिशन आपका हुआ ये इस चीज को भूल जाएंगे, आपसे कहेंगे भैया आप 5,000 रुपये लाइए आप प्रैक्टिकल का, पहले तो प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, ठीक है, पहले तो आपको कॉशन मनी देंगे, ठीक है, ये कॉशन मनी हालांकि ये रिफंडेबल होते लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं देते हैं, ठीक है, ये कॉशन मनी आपको जमा करा लेंगे, कौन कितना जमा कराएगा ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद और भी कहीं कहीं आपको बुकें वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, और भी किट जिसे हम बोलते हैं उसके लिए भी पैसा लगता है, ठीक है, तो ये सब जैसे सत्यनारायण बाबा का था नहीं होता, उसी तरह से ये आपको पैसा वसूल करेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप उनके बारे में पहले जान लीजिए, अन्यथा की स्थिति में भाई मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि सर उन्होंने कहा था हम इतना पैसा लेंगे लेकिन अब हमसे अवैध तरीके से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, मजबूरन मुझे डीएलएड छोड़ना पड़ रहा है, तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना जाएं तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी, जहां आपको एडमिशन लेना है आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, बट मैं इतना जरूर कहूंगा अगर आपको मेरे माध्यम से एडमिशन लेना है तो आप संपर्क करिएगा, हम लगातार आपको आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है। नंबर हम आपके बीच में दे रहे हैं 94, 52, यहाँ 33 है, 10, 53, ये नंबर आपके बीच में, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको प्रोसीजर बताएंगे कि मेरे यहाँ एडमिशन का क्या प्रोसेस है। बट अभी फीस डिसाइड नहीं है, बट अगर फीस की हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो तो 41,000 होती ही है, ये तो पता ही है, ठीक है, बाकी इसके अलावा मेरे यहाँ कितने शुल्क हो कि अभी वो डिसाइड नहीं है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज अगर कोई भी आपका डाउट बचता है तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोशिश ये करिएगा कि आप व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई समय रहते हुए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।